फॉर योर फर्स्ट चैप्टर इज गोइंग ऑन फॉर 12th स्टैंडर्ड के लिए, इसके लिए हमारे पास है पीरियड, नेक्स्ट पीरियड देख लो, पीरियड नंबर कौन सा है हमारे पास है, आई थिंक यू नो वेरी वेल, है ना, ये पीरियड नंबर जो है हमारे लिए है, वो पीरियड नंबर आपके लिए मैं प्रोवाइड करूंगा यहाँ पर, ये नेक्स्ट पीरियड है और ये फोर्थ पार्ट इज गोइंग ऑन, क्या ये डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन के लिए ये हमारा डेरिवेटिव नंबर जो पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट के लिए ऑलरेडी वी हैव, है ना, फोर्थ पार्ट के लिए हमने ऑलरेडी थ्री पीरियड्स लिए हैं, उस थ्री पीरियड्स में फर्स्ट पीरियड में था थ्योरम, देन सेकंड थ्योरम के लिए, सेकंड पीरियड के लिए थे स्टैंडर्ड फॉर्मूले, और थर्ड पीरियड के लिए तुम्हारे लिए यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे फॉर 11th क्लास के लिए, अब जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले और सब्स्टिट्यूशन है ऑलरेडी आई हैव प्रोवाइडेड यू। अब यहाँ पर हम ये फोर्थ, ये पीरियड नंबर आई मैं प्रोवाइड करूंगा, ये फोर्थ पार्ट है, इसमें डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन क्वेश्चन कंपल्सरी, ये यहाँ पर हम देख लेंगे, ये एक्सरसाइज नंबर देख लो, क्या ये एक्सरसाइज पॉप्स, एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज नंबर है 02, आई थिंक यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर है 02, देख लो, हाँ उसमें क्वेश्चन है हमारे लिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, यस फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताऊंगा, क्वेश्चन यहाँ पर लूंगा मैं, ये डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, यस देखो ये पहला क्वेश्चन है, उसमें फर्स्ट सब क्वेश्चन टेन इनवर्स ऑफ लॉग एस, सेकंड वन कॉट इनवर्स ऑफ 4s2s, देन थर्ड वन ये फर्स्ट, उसके बाद ये सेकंड, ये थर्ड साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 + x² / 2, देन फोर्थ वन कॉस इनवर्स ऑफ 1 - x², फिफ्थ वन cos cube of cos inverse of x³, then sixth one, sixth के लिए लिख लो क्या है, cot inverse of cot e^2 x², हाँ देख लो, ये जो पॉप्स एक्सरसाइज नंबर सेकंड है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस, ये पहला क्वेश्चन है, यू हैव टू डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा देख लो, हाँ क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है, उसमें फर्स्ट क्या ये लेट, ये जो है ना, ये जो है उसके लिए कैसा होना देख लो, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ log x है, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ log x, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ log x, हाँ करो डिफरेंशिएट इसको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या ये y के लिए dy by dx डेरिवेटिव यू नो वेरी वेल, y के लिए dy by dx tan inverse इसका डेरिवेटिव क्या है, 1 by मालूम है ना, tan इसका डेरिवेटिव जो मैंने लास्ट पीरियड में आपके लिए फॉर्मूले प्रोवाइड किए थे वो फॉर्मूले देख लो, tan inverse के लिए 1 by 1 + square log x² इन चेन रूल, राइट चेन रूल, tan inverse यानी 1 by 1 + ये स्क्वेयर इनटू इनवर्स छोड़ दो log के लिए 1 by x, यू नो वेरी वेल, 1 by x इंटू 1 + log x होल स्क्वेयर, ये है dy by dx, हाँ देख लो ये फर्स्ट क्वेश्चन, देन फॉर सेकंड के लिए आप, हाँ सेकंड के लिए ये है सेकंड क्वेश्चन, क्या होना ये लेट y इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 4s2x है,
इक्वल टू प्लॉट इनवर्स ऑफ फोर, प्लॉट इनवर्स ऑफ फोर इज टू एक्स, करो मुझे होना डिफरेंशिएट करना है यानी डेरिवेटिव लेना है, क्या ये डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या है ये वाई का डेरिवेटिव डीवाई बाई डी एक्स, प्लॉट इनवर्स के लिए क्या है, प्लॉट इनवर्स के लिए माइनस वन बाय वन प्लस इसका स्क्वेयर, प्लॉट इनवर्स माइनस वन बाय वन प्लस इसका स्क्वेयर यानी वॉट फोर रेस टू टू एक्स इंटू, ये प्लॉट छोड़ दो, प्लॉट इनवर्स चाहिए ना माइनस वन बाय वन प्लस ये स्क्वेयर ये छोड़ दो, फोर रेस टू एक्स का डेरिवेटिव यानी ए रेस टू एक्स, फोर रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स, फोर रेस टू एक्स इंटू वॉट लॉग फोर है माइनस फोर रेस टू एक्स इंटू लॉग फोर बाय वन प्लस फोर रेस टू टू एक्स यानी फोर रेस टू एक्स होल स्क्वेयर, यू कैन टेक लाइक दिस ऐसा भी चलेगा, ये दोनों फॉर्म में सेम है ना, ये है तुम्हारे लिए सेकंड, देख लो ये है तुम्हारे लिए सेकंड प्रॉब्लम। हाँ देन अब थर्ड के लिए प्रॉब्लम देखो, आज प्रॉब्लम्स सीरियसली और केयरफुली देखो, ये स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स है, इसके बाद जो प्रॉब्लम्स है तीन और चार मार्क्स के वो भी कवर होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए मैं ये फर्स्ट ये प्रॉब्लम्स केयरफुली देख रहा हूँ क्या है। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है देख लो, हाँ प्रॉब्लम देखो, हाँ क्या है यार, ये थर्ड देख लो, प्रॉब्लम नंबर थर्ड क्या है, प्रॉब्लम नंबर थर्ड के लिए ये प्रॉब्लम नंबर थर्ड देखो, हाँ क्या है, हाँ प्रॉब्लम नंबर थर्ड, हाँ क्या है थर्ड नंबर, लेट वाई इक्वल टू थर्ड के लिए क्या है साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय है, ये y इक्वल इसको मैं डिफरेंशिएट करना है यानी मुझे डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेने के लिए उसको y बोल दो, अब डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या है, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, y का डेरिवेटिव dy बाय dx साइन इनवर्स के लिए, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव वन बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस एन इंच है ना, इसका स्क्वेयर होना, इसका स्क्वेयर यानी रूट कैंसिल होता है, अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर बाय टू है होल स्क्वेयर इंटू है साइन इनवर्स के लिए वन बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस ये स्क्वेयर इंटू, ये छोड़ दो, रूट का डेरिवेटिव वन बाय टू रूट, रूट का डेरिवेटिव वन बाय टू रूट है, अब रूट छोड़ दो, वन कॉन्स्टेंट ये रूट छोड़ दो, अभी वन कॉन्स्टेंट छोड़ दो, एक्स स्क्वायर का टू एक्स बाय ये कैंसिल, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, देख लो कौन से फॉर्म में हो सकता है, यह वाई वन बाय अंडर रूट ऑफ, हाँ ये स्क्वेयर और रूट कैंसिल होता ना, वन माइनस वन प्लस एक्स स्क्वेयर बाय टू देन वन वन बाय टू इंटू अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर है बाय टू इंटू एक्स, अरे यानी ये टू माइनस वन है वन बाय ये टू माइनस वन यानी वॉट अंडर रूट ऑफ वन माइनस क्या है एक्स स्क्वेयर बाय टू इंटू वन बाय टू इंटू अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर बाय टू इंटू एक्स है, फिर क्या होता है ये एक्स बाय अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी और ए प्लस बी यानी वन माइनस स्क्वेयर यानी वॉट ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यानी स्क्वेयर, ये स्क्वेयर का स्क्वेयर पावर फोर होता रूट टू यानी टू है ना, ये टू है ऑलरेडी क्या है ये टू है बाय रूट टू यानी फोर, रूट फोर बाय यानी रूट फोर यानी टू विल गेट कैंसल, एक्स बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स रेस टू फोर, ये है तुम्हारे लिए डी वाई बाय डी एक्स, देख लो दोस्तों ये है डी वाई बाय डी एक्स, देन हाँ देख लो क्या है ये क्वेश्चन नंबर फोर के लिए,
क्वेश्चन नंबर फोर के लिए क्या है क्वेश्चन नंबर फोर देख लो। हाँ क्वेश्चन नंबर फोर देख लो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देखते जाओ क्या है। हाँ क्या ये क्वेश्चन नंबर फोर, लेट y इक्वल टू है cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। cos इनवर्स, cos इनवर्स है क्या ये cos इनवर्स के लिए, इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ y के लिए डेरिवेटिव dy by dx, cos इनवर्स के लिए cos इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस वन बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर, यानी इसका स्क्वेयर ये f ऑफ x है। cos इनवर्स ऑफ f ऑफ x का स्क्वेयर वन माइनस एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर है। एंड ये cos इनवर्स छोड़ दो, वन का जीरो माइनस एक्स स्क्वेयर का टू एक्स है, तुम ऐसा भी ले सकते इसको जो भी है वो। क्या ये माइनस वन, ये क्या है माइनस माइनस क्या आता है ये प्लस टू एक्स बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर, ये है डी वाई बाय डी एक्स। क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन नंबर है थर्ड है इसमें, ये थर्ड क्वेश्चन नंबर है। हाँ उसके बाद फोर्थ के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर क्या है ये ऑलरेडी ये थोड़ा हमने कंप्लीट किया, ये फोर्थ है। अब फिफ्थ के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, हाँ क्या ये cos क्यूब ऑफ cos इनवर्स ऑफ x क्यूब है। देख लो क्वेश्चन एज इट इज, लो अभी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले विथ रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट वन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देख लो y का डेरिवेटिव, y यानी यू नो y का डेरिवेटिव क्या है, dy by dx। y का डेरिवेटिव dy by dx है, इक्वल टू क्या ये है ना, ये क्यूब है, ये पावर तीन है, यानी तीन आगे लो एक से टर्म करो cos स्क्वेयर cos इनवर्स ऑफ x क्यूब, तीन आगे लो एक से टर्म करो दो है इनटू, हाँ अरे पावर ये आगे चेन रूल, चेन रूल, ये पावर आगे लो एक से टर्म करो दो, अब पावर छोड़ दो जो यूज करे वो छोड़ दो। ये क्रॉस का डेरिवेटिव क्या है, क्रॉस का डेरिवेटिव, क्रॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ क्रॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब है ना, क्रॉस का माइनस साइन, अब ये क्रॉस छोड़ दो इनटू है, पूरा इनटू है, ये पूरा इनटू है। हाँ फिर क्रॉस इनवर्स के लिए क्रॉस इनवर्स का डेरिवेटिव यू नो वेरी वेल माइनस वन बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस इसका स्क्वेयर यानी एक्स क्यूब उसका स्क्वेयर इनटू, क्रॉस इनवर्स छोड़ दो उसका क्या है थ्री एक्स स्क्वेयर, थ्री एक्स स्क्वेयर। देख लो क्या ये, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस अभी पूरा इनटू में आता, माइनस माइनस प्लस, थ्री इंटू थ्री क्या ये नाइन एक्स स्क्वेयर बाय नीचे क्या है अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स रेस टू सिक्स, थ्री टू द सिक्स इंटू क्या ये साइन, साइन भी है यहाँ पर साइन ऑफ क्रॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू, ये क्या है फिर बाद में क्रॉस स्क्वेयर क्रॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब, ये है तुम्हारे लिए डी वाई बाय डी एक्स। ये है क्वेश्चन नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर फाइव डी वाई बाय डी एक्स। देख लो देन क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए आप, क्वेश्चन नंबर फाइव के बाद देख लो क्या है सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर फाइव के बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए आओ। देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाँ सिक्स इसमें ये सिक्स नंबर क्या है, लेट y इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ cot e रेस टू एक्स स्क्वेयर, हाँ करो डिफरेंशिएट, यहां पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x है,
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई के लिए क्या है डीवाई बाई डी एक्स, वाई के लिए डीवाई बाई डी एक्स। अब क्या ये cot इनवर्स है, देख लो cot इनवर्स का डेरिवेटिव यू नो वेरी वेल। cot इनवर्स के लिए क्या है हमारे पास, यू नो वेरी वेल, देख लो क्या है ये cot इनवर्स है, यहां पर cot इनवर्स ऑफ cot के लिए देखो दोनों सेम है, cot इनवर्स ऑफ माइनस क्या है वन बाय वन प्लस इसका स्क्वेयर, क्या है ये cot द स्क्वेयर e रेज टू x स्क्वेयर। cot इनवर्स यानी माइनस वन बाय वन प्लस ये f ऑफ x का स्क्वेयर इनटू cot को छोड़ दो, cot का डेरिवेटिव माइनस क्या है cosec स्क्वेयर e रेज टू x स्क्वेयर, cot का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वेयर e रेज टू x स्क्वेयर, cot छोड़ दो e रेज टू x स्क्वेयर के लिए एज इट इज e रेज टू x यानी एज इट इज, अगेन e छोड़ दो अभी x स्क्वेयर यानी पावर कितना दो है ना, आगे लो x से कम, ये है हमारे लिए माइनस, माइनस क्या होता है प्लस होता है, कोसेक स्क्वेयर e रेज टू x स्क्वेयर इनटू e रेज टू x स्क्वेयर इनटू 2x बाय 1 प्लस cot स्क्वेयर यानी व्हाट कोसेक स्क्वेयर e रेज टू x स्क्वेयर, ये होता है ये तुम्हारे लिए डी वाई बाय डी एक्स, इसके लिए क्या है डीवाई डी एक्स यानी वॉट टू एक्स इंटू ए रेज टू एक्स स्क्वेयर, ये है प्रॉब्लम नंबर 6 ना दोस्तों, देख लो ये है प्रॉब्लम नंबर 6। हाँ देन 6 के बाद प्रॉब्लम नंबर देख लो, हाँ 6 के बाद 7 के लिए प्रॉब्लम नंबर 7 यानी व्हाट कोसेक इनवर्स ऑफ 1 बाय cos 5 रेस 2 एक्स, देन 8 के लिए, 8 के लिए क्या है cos इनवर्स ऑफ log x टू द बेस 2, देन 9th के लिए sin रेस 2 4, ये sin इनवर्स ऑफ रूट एक्स है, और ये 10th प्रॉब्लम जो है हमारे पास देख लो cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos x बाय 2, ये प्रॉब्लम देख लो। हाँ तो हम ये प्रॉब्लम जो है ये फर्स्ट पीरियड, हम फर्स्ट ये फोर्थ पार्ट का जो पीरियड है उसमें हम देख लेंगे यार क्या है प्रॉब्लम, देख लो कंपल्सरी डिफरेंशिएट करना है, क्या है क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कंपल्सरी क्वेश्चन नंबर 7 है, y इक्वल टू क्या है cosec इनवर्स ऑफ 1 बाय cos 5 रेस टू x है, हाँ देख लो क्या है यहाँ पर, अब ये 1 बाय है ना इसको ऊपर ले सकते हैं ना, 1 बाय यानी cosec का मालूम है, मैंने स्पेशल फॉर्मूले दिए थे तुम्हारे लिए cosec इनवर्स ऑफ, cosec इनवर्स ऑफ 1 बाय x यानी व्हाट sin इनवर्स ऑफ x, y इक्वल क्या है ये sin इनवर्स ऑफ cos 5 रेस टू x है? ये साइन क्रॉस क्रॉस साइन हम चेंज कर सकते हैं, साइन क्रॉस क्रॉस साइन, टेन cot cot टेन, सेक कोसेक कोसेक से हम चेंज कर सकते हैं, क्या है ये क्रॉस थीटा इक्वल क्या है, चेंज नहीं हुआ तो भी चलेगा, क्रॉस थीटा यानी व्हाट साइन 90 माइनस थीटा, क्रॉस थीटा यानी व्हाट साइन 90 माइनस प्लस चलेगा, साइन 90 प्लस माइनस चलेगा, फिर वाई कोड क्या है साइन इनवर्स ऑफ कॉस यानी व्हाट साइन 90 प्लस 5 रेस टू एक्स है, कॉस थीटा है देख लो क्या है यार ये कॉस कॉस थीटा यानी साइन 90 प्लस थीटा है, ये साइन साइन कैंसिल होता ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन यानी ये कैंसिल हो रहा है, एक्स मिलता सिर्फ, अब क्या ही है यहां पर ये फार्मूला यूज करो y ऊपर टू ये कैंसल हो रहा, ये कैंसल हो रहा, फिर क्या है ये पाई बाय टू प्लस फाइव रेस टू एक्स, ऐसा एडजस्टमेंट करो, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं लेकिन इजी है, साइन कॉस क्रॉस साइन लाना चेंज करो, कॉस को कॉस थीटा एंड साइन 90 प्लस माइनस चलेगा, हाँ देन साइन साइन कैंसल हुआ यूजिंग दिस फार्मूला, अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी व्हाट
डी वाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है जीरो, फायर स्पीड यानी एयर स्पीड, फायर स्पीड यानी वॉट एयर स्पीड इंटू लॉग इन लॉग फाइव, ये है तुम्हारे ये डेरिवेटिव। देख लो क्या है ये क्वेश्चन नंबर सेवन, देख लो फर्स्ट में है क्वेश्चन नंबर सेवन। देन क्वेश्चन नंबर एट के लिए आवा, क्वेश्चन नंबर एट क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एट कॉस इनवर्स ऑफ, देख लो क्या है थोड़ा सा देख लो क्वेश्चन, देख लो क्वेश्चन नंबर एट के लिए क्वेश्चन नंबर एट के लिए लॉग एक्स टू द बेस टू, हाँ क्या है देख लो लॉग एक्स टू द बेस टू, हाँ डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या है ये डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स कॉस इनवर्स का मालूम है ना, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस वन बाय रूट ऑफ वन माइनस ये एफ ऑफ एक्स का स्क्वेयर यानी लॉग एक्स टू द बेस होल स्क्वेयर इनटू, अब ये लॉग के लिए बेस है, बेस यानी व्हाट यू नो लॉग बी टू द बेस ए यानी व्हाट लॉग बी बाय लॉग ए, ये फॉर्मूला क्या है मैं यहां पर ऐसा समझा ये लॉग ए यानी लॉग टू ए लॉग एक्स टू द बेस यानी व्हाट वन बाय लॉग टू इनटू लॉट एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स, लॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या है वन बाय एक्स, बाद में क्या है माइनस वन बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस क्या है लॉट एक्स बाय लॉट टू इसका स्क्वायर इनटू ये लॉट टू इनटू वन बाय एक्स, ऊपर जाता नहीं माइनस वन बाय अंडर रूट ऑफ ऊपर जाता है लॉट टू होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स होल स्क्वेयर, ये स्क्वेयर बाहर ले लो कितना आता ये लॉग टू आता इंटू वन बाय एक्स इंटू लॉग इट कैंसिल, क्या ये डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू क्या ये माइनस वन बाय एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स क्या ये लॉग टू, हाँ लॉग टू होल स्क्वेयर माइनस लॉग एक्स का क्या ये ये है तुम्हारे लिए डी वाई बाय डी एस क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट के बाद क्वेश्चन नंबर नाइन के लिए क्वेश्चन नंबर नाइन लो क्या है लेट नाइन क्वेश्चन नंबर लेट क्या है वाई इक्वल टू साइन रेस टू फोर साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स साइन एस टू फोर साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, हाँ क्या है क्वेश्चन नंबर एट लिख लो, हाँ क्या होता है इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई का डेरिवेटिव डीवाई बाई डी एक्स है, y के लिए डेरिवेटिव dy by dx पावर कितना है चार है चार आगे लो एक से टर्म करो है चार आगे लो एक से टर्म करो इन पावर छोड़ ये पावर है ना ये चार फोर आगे लेके एक से टर्म हुआ बाकी है इट इज अब चार छोड़ दो साइन है साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ sinus ऑफ रूट एक्स cos ऑफ sinus ऑफ रूट एक्स इन ये साइन छोड़ दो साइन इनवर्स के लिए वन बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस इसका स्क्वेयर यानी रूट एक्स का स्क्वेयर यानी एक्स और ये रूट के लिए साइन इनवर्स छोड़ दो रूट के लिए वन बाय टू रूट एक्स, देखो पावर आगे लो एक से टर्म करो तीन देन साइन का डेरिवेटिव क्रॉस देन साइन इनवर्स के लिए वन बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर होता है रूट एक्स का स्क्वेयर यानी एक्स रूट का वन बाय टू रूट एक्स, है देख लो ये क्या होता है टू टू सा है फिर क्या ये टू क्या ये साइन क्यूब ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स हम कैंसिल कर सकते हैं लास्ट प्रॉब्लम जैसा, हाँ नीचे क्या है ये अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू वन माइनस एक्स, ये है क्वेश्चन नंबर नाइन।
इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपको y इक्वल टू क्रॉस इनवर्स ऑफ 1 प्लस क्रॉस एक्स बाई 2 क्वेश्चन नंबर 10 देख लो आप। क्या ये फॉर्मूला 1 में 1 प्लस क्रॉस बता रहे हैं सर, 1 माइनस 1 प्लस क्रॉस यानी 2 इंटू क्रॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला यहाँ पर नोट होना, क्रॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ क्या होता है, ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल होता है ना, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ले लो चलेगा क्रॉस स्क्वायर थीटा यानी एक्स बाई 2 बाई 2 ये कैंसिल हो रहा है, फिर क्या आता है ये क्रॉस इनवर्स ऑफ ये क्रॉस क्या है ये एक्स बाई 2 है ना, देख लो क्या है ये वाह ये क्रॉस क्रॉस कैंसिल होता ना, ये क्या है क्रॉस एक्स बाय 2 ये क्रॉस क्रॉस कैंसिल हो रहा है क्रॉस क्रॉस, अगेन यहाँ पर फॉर्मूला है क्रॉस इनवर्स ऑफ क्रॉस एक्स यानी ओनली एक्स, क्या मिलता वाई इक्वल टू क्या है एक्स बाय 2 है, वाई इक्वल क्या है नीचे क्या मिला ये वाई इक्वल टू क्या है यहाँ पर, अगर देख लो यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा है 10th क्वेश्चन क्या है देख लो, देख लो क्वेश्चन क्या है ये फर्स्ट है 1 प्लस क्रॉस, देखो 1 प्लस क्रॉस हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला 1 प्लस क्रॉस यानी 2 इंटू क्रॉस स्क्वायर, ये 2 इंटू क्या है समझ में आ रहा ना 2 इंटू क्रॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस क्रॉस यानी 2 इंटू क्रॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ये 2 2 कैंसिल, ये क्रॉस स्क्वायर और ये रूट रूट ऑफ स्क्वायर कैंसिल यानी क्रॉस, अब ये क्रॉस क्रॉस इनवर्स और ये क्रॉस इनवर्स और ये क्रॉस कैंसिल होता ना यानी क्रॉस इनवर्स ऑफ क्रॉस यानी ओनली एक्स, फिर क्या मिलता है यहाँ पर y इक्वल टू x बाय 2, अब इसको डिफरेंशिएट करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x यानी व्हाट dy बाय dx यानी x का क्या डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 टू कांस्टेंट as it is, इसके बाद इसके ऊपर जो होमवर्क है ये क्वेश्चन नंबर तो फर्स्ट है हमारा ये एक्सरसाइज नंबर सेकंड में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें होमवर्क प्रोवाइड करूंगा, ये फर्स्ट है कोसेक इनवर्स ऑफ ए रेस टू एक्स, सेकंड वन टेन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, थर्ड वन ये कॉट इनवर्स ऑफ एक्स टू, ये फोर्थ वन साइन इनवर्स ऑफ एक्स रेस टू 3/2 और फिफ्थ वन क्रॉस इनवर्स ऑफ देखो क्रॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ क्रॉस एक्स, ये पांच प्रॉब्लम मैं नंबर ये ऐसे नंबर ले लो 3, 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये 10 क्वेश्चन के ऊपर बेसिक यू फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यू कैन डू यूर सेल्फ, तुम ये खुद क्वेश्चन सॉल्व करो, ये है हमारा ये पीरियड, इसके लिए मैं आपको पीरियड नंबर प्रोवाइड करूंगा एक दोस्तों, ये है हमारा पीरियड नंबर 12 पीरियड में हमने ये फोर्थ पार्ट डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन इसमें जो है क्रॉस एक्सरसाइज सेकंड ऑलरेडी स्टार्ट किया है, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स विल बी इन योर नेक्स्ट पीरियड।